हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट एडजिल। ये हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी और नॉर्मलाइज सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किसी रिलेशन को 3NF में कैसे डिकम्पोज करना। इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकॉन। तो हम डिस्कस करें एल्गोरिथम टू डिकम्पोज अ रिलेशन इनटू 3NF। तो एल्गोरिथम के सिंपल 3 स्टेप्स हैं। वेरी फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड मिनिमल और कैनोनिकल कवर ऑफ द एफडीज। फंक्शनल डिपेंडेंसी का मिनिमल और कैनोनिकल कवर फाइंड करना। अगर आपको नहीं पता हाउ टू फाइंड, तो एक वीडियो ऑलरेडी हमने सीरीज में डिस्कस कर रखा है कि कैसे फाइंड करना, और एक एग्जांपल फाइनली मैं लूंगी इसी क्वेश्चन यहीं पे इसी वीडियो में कि हाउ टू फाइंड मिनिमल और कैनोनिकल कवर। तो फर्स्ट स्टेप कहती है फाइंड मिनिमल और कैनोनिकल कवर ऑफ द एफडी। तो हम एक रिलेशन लेते आर एबीसीडी, और इसमें एफ डी से ए डिसाइड्स बी एंड सी डिसाइड्स डी। ये एफ डी का सेट मिनिमल है। अभी अब हम अज्यूम कर लेते हैं कि इट इज मिनिमल कवर। तो फर्स्ट स्टेप हमारी कंप्लीट हो गई टू फाइंड द मिनिमल कवर। सेकेंड स्टेप क्या कहता है, क्रिएट द रिलेशन विद द एट्रीब्यूट्स ऑफ द एफ डीज। जैसे हमारे मिनिमल कवर में दो एफ डीज है, फर्स्ट है ए डिसाइड्स बी, सेकेंड है सी डिसाइड्स टी। तो क्या कह रहा है कि फॉर एवरी एफ डी क्रिएट अ सेपरेट रिलेशन। तो फर्स्ट रिलेशन हमने आर वन क्रिएट किया फ्रॉम द एफ डी ए कॉमा बी, सेकेंड रिलेशन आर टू क्रिएट किया फ्रॉम द एफ डी सी कॉमा डी। ओके, तो फॉर क्रिएट अ रिलेशन आर आई एक्स कॉमा वाई, फॉर एवरी एफ डी एक्स डिसाइड्स वाई इन योर मिनिमल कवर। ओके, तो ये हमारी स्टेप हो गई, मिनिमल कवर फाइंड किया। मिनिमल कवर में जितनी एफ डी है, फॉर एवरी एफ डी वी क्रिएट अ सेपरेट रिलेशन। अब थर्ड स्टेप कहती है कि कैंडिडेट की इज नॉट द पार्ट ऑफ सम रिलेशन, क्रिएट द रिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट की। क्या मतलब है, जैसे इस रिलेशन की कैंडिडेट की क्या आ रही है, तो हम देखेंगे कि इस रिलेशन में ए सी के क्लोजर में हमारे सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। तो इस रिलेशन की कैंडिडेट की क्या हो गई, ए सी। थर्ड स्टेप कहती है कि अगर ये कैंडिडेट की किसी रिलेशन में प्रेजेंट नहीं है, जैसे हमारे दो रिलेशन बने, दोनों में ही एक सी साथ में प्रेजेंट नहीं है, एक में ए है लेकिन सी नहीं है, यहाँ सी है लेकिन ए नहीं है, तो जब हमारी कैंडिडेट की ए सी वो किसी भी रिलेशन का पार्ट नहीं है, तो यू नीड टू क्रिएट अ रिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट की। तो थर्ड रिलेशन होगा आर ए कॉमा सी। ठीक है, तो ये आपका 3NF डिकम्पोजिशन हो गया। अच्छा, इसी में मैं एग्जाम्पल, अगर हमारी दो एफ डीज होती, सी डिसाइड्स डी और डी डिसाइड्स सी। ओके, अब फर्स्ट स्टेप हम फिर से अप्लाई करके देखते हैं। मिनिमल कवर, तो दिस इज ऑलरेडी मिनिमल। फिर सेकंड स्टेप क्या है, क्रिएट द रिलेशन फॉर एवरी एफ डी, तो आर वन ए कॉमा बी, आर टू सी कॉमा डी। आर थ्री क्रिएट करने की जरूरत है क्या, नो, सी डी और डी सी सेम हो जाएगा, तो आर थ्री इज रिडंडेंट एक्स्ट्रा हो जाएगा, उसको क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपके यहाँ पे अगर ये दो एफ डी से, थ्री एफ डी से, तो आपको दो रिलेशन मिले, ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप कहती है फॉर एवरी कैंडिडेट की आपको रिलेशन क्रिएट करने है, तो यू टू फाइंड कैंडिडेट की। तो इस रिलेशन की देर आर टू कैंडिडेट की, ए सी, क्योंकि ए सी के क्लोजर में ए बी सी डी चार, और सेकेंड वन इज ए डी, क्लोजर ऑफ ए डी कंटेन ऑल द एट्रीब्यूट्स। तो ए सी एंड ए डी आर टू कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन। तो फॉर एवरी कैंडिडेट की आपको इंश्योर करना है कि आइदर एवरी कैंडिडेट की इज द पार्ट ऑफ अ रिलेशन। क्या ए सी किसी रिलेशन का पार्ट है, तो नहीं, ए सी किसी भी रिलेशन का पार्ट नहीं है। तो ए सी के लिए आपको एक रिलेशन बनाना है, और एडी क्या किसी रिलेशन का पार्ट है, नो, तो फॉर एडी यू टू क्रिएट अ सेपरेट रिलेशन फॉर एवरी कैंडिडेट की। इफ दैट कैंडिडेट की इज नॉट द पार्ट ऑफ सम रिलेशन, यू नीड टू क्रिएट अ सेपरेट रिलेशन। ओके, तो अगर हमारा ये एफडी सेट है, तो दिस इज अवर 3NF डिकम्पोजिशन। इस रिलेशन के हमको 3NF में कितने रिलेशन मिले, फोर रिलेशन मिले। ओके, चलिए तो एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। ये हमारा रिलेशन है आर ए बी सी डी, और इसमें एफ डीज है ए डिसाइड्स बी एंड बी सी डिसाइड्स डी। ओके,
तो फर्स्ट स्टेप है फाइंड मिनिमल और कैनोनिकल कवर, तो ये ऑलरेडी मिनिमल कवर है. सेकंड स्टेप है फॉर एवरी एफडी क्रिएट रिलेशन, तो एक एफडी हमारी एडी साइड्स बी है, तो हमने एडी साइड बी के लिए रिलेशन क्रिएट किया. सेकंड एफडी हमारी बीसी साइड डी, तो हमने बीसी डी के लिए रिलेशन क्रिएट किया. तो सेकंड स्टेप भी हो गया कि फॉर एवरी एफडी क्रिएट अ रिलेशन. थर्ड क्या कहती है कि इफ कैंडिडेट की इज नॉट द पार्ट ऑफ योर रिलेशन, तो आपके रिलेशन की कैंडिडेट की क्या है, है ना. तो एक एट्रीब्यूट ये ऐसा है जो किसी एफडी में नहीं आ रहा है, तो ये भी आपके कैंडिडेट की का पार्ट होगा. तो व्हाट इज कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन इफ आई टेक क्लोजर. अच्छा, ए मस्ट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, क्योंकि ए किसी भी एफडी के राइट साइड पे नहीं है. वो एट्रीब्यूट जो किसी एफडी के राइट साइड पे नहीं होते वो कैंडिडेट की में होते ही है. तो ए मस्ट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की, साथ में ई, क्योंकि ई भी किसी एफडी के राइट हैंड साइड पे नहीं है, एंड सी, ये भी किसी एफडी के राइट हैंड साइड पे नहीं है. तो ये तीन एट्रीब्यूट तो कैंडिडेट की में होने ही चाहिए. ठीक है, तो लेट्स सी क्या ये कैंडिडेट की है. तो आई विल फाइंड द क्लोजर ऑफ ए सी, तो आपको क्या मिलेगा ए सी के क्लोजर में, ए सी ई तो मिलना ही है. फ्रॉम ए यू विल गेट बी, फ्रॉम बी सी यू विल गेट डी. तो क्लोजर ऑफ ए सी ई कंटेन्स ऑल द एट्रीब्यूट ऑफ योर रिलेशन, देयरफॉर ए सी ई इज द कैंडिडेट की, ओनली कैंडिडेट की ऑफ दिस रिलेशन इज ए सी ई. अब क्या ए सी ई साथ में कहीं आ रही है, नो. तो यू क्रिएट अ रिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ की ए सी एंड ई. तो ये हमारा रिलेशन किस में कन्वर्ट हो गया, ये हमने अपने रिलेशन को डिकम्पोज किया एन टू थ्री एन एफ. एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, हमारे रिलेशन में एफ डीज हैं, ए डिसाइड्स बी, ए बी डिसाइड्स, ए बी सी डी डिसाइड्स ई, ई एफ डिसाइड जी एच, ए सी, ए सी डी एफ डिसाइड्स ई जी. इस रिलेशन को आपको किस में कन्वर्ट करना है, किस में डिकम्पोज करना है, इनटू थ्री एन एफ. अब यहाँ पे मिनिमल कवर नहीं है, आपको फाइंड करना है मिनिमल कवर. तो हम चेक करते कि मिनिमल है या नहीं, है ना. मैंने कहा मिनिमल नहीं है, बट हाउ विल यू एंश्योर. तो मिनिमल कवर फाइंड करने की फर्स्ट स्टेप क्या होती है, कन्वर्ट ऑल द एफडीज इनटू सिंपल. तो मैं इन सभी एफडीज को सिंपल में कन्वर्ट कर रही हूँ, तो आपको रिकॉल भी हो जाएगा कि हाउ टू फाइंड मिनिमल कवर, और ये इंश्योर भी हो जाएगा कि दिस इज मिनिमल और नॉट. एफडी सिंपल है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है मिनिमल कवर की, कन्वर्ट ऑल द एफडीज इनटू सिंपल. एफडी सिंपल कब होती है, जब राइट हैंड साइड पे केवल एक ही एट्रीब्यूट होता है. तो ये दो तो ऑलरेडी सिंपल है, इट इज नॉट सिंपल, इट इज नॉट सिंपल. ई एफ डिसाइड जी एच को सिंपल करने के लिए आई यू राइट ई एफ डिसाइड जी एंड ई एफ डिसाइड एच. ठीक है, देन ए सी डी एफ डिसाइड सी और ए सी डी एफ डिसाइड्स जी. ओके, तो ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई मिनिमल कवर की, कि हमने हर एफ डी को किस में कन्वर्ट कर लिया, सिंपल. सेकेंड स्टेप क्या कहती है कि किसी भी एफ डी के लेफ्ट हैंड साइड में अगर एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स है तो उसको रिमूव करो. तो कैनोनिकल कवर को फाइंड करने की सेकेंड स्टेप, रिमूव एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एफ डी. तो किस एफ डी के लेफ्ट हैंड साइड में एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है, ए डिसाइड्स बी में तो लेफ्ट में एक ही है, एक्स्ट्रा का क्वेश्चन नहीं होता है, बट यहाँ पे सभी में लेफ्ट में मोर देन वन एट्रीब्यूट है, तो यहाँ एक्स्ट्रा हो सकते हैं. तो लेट्स सी ए बी सी डी में क्या कोई एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट है. अच्छा, ए बी सी डी में लेट्स से ए एक्स्ट्रा कब होगा, तो अगर बी के क्लोजर में ए आ जाता है, सी के क्लोजर में ए आ जाता है. यहाँ पे क्या क्या एट्रीब्यूट है, बी सी डी, इनमें से किसी के भी क्लोजर में ए आ जाता है या इनके कॉम्बिनेशन में, बी के क्लोजर में नहीं आ रहा है, सी के क्लोजर में नहीं आ रहा, लेकिन बी सी के क्लोजर में ए आ गया, तो ए एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना. तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है कि ए डिसाइड्स बी, देयरफॉर क्लोजर ऑफ ए कंटेन्स बी, देयरफॉर बी इज एक्स्ट्रा. क्या सी और डी एक्स्ट्रा है या ए एक्स्ट्रा है, तो सी ओ डी के क्लोजर में या कहीं से भी ए नहीं आ सकता, क्योंकि ए तो राइट हैंड साइड पे कहीं प्रेजेंट ही नहीं है, तो सी डी के क्लोजर में ए नहीं आ सकता है. ए के क्लोजर में सी डी भी नहीं आ सकते, क्योंकि ये सारे एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड पे कहीं प्रेजेंट नहीं है,
तो ए के क्लोजर में सी डी नहीं आ सकता, सी के क्लोजर में ए डी नहीं आ सकता है, क्योंकि इनमें तीनों ही एट्रीब्यूट राइट हैंड साइड पे कहीं भी प्रेजेंट नहीं है। इसलिए अब ए सी डी में कुछ भी रिडंडेंट नहीं है। अच्छा, ई एफ में या तो ई रिडंडेंट हो सकता है या एफ रिडंडेंट हो सकता है। ई के क्लोजर में अगर एफ आ जाए तो एफ रिडंडेंट, तो मैं यहां अगर ई का क्लोजर लूंगी तो क्या एफ आ रहा है। तो अगर इन एफ डी सेट में देखेंगे तो ई के क्लोजर में सिर्फ ई आएगा, क्योंकि ये कुछ और डिसाइड ही नहीं कर रहा है। तो ई के क्लोजर में एफ नहीं आ रहा है, बिकॉज ई के क्लोजर में ई है, तो एफ इज नॉट रिडंडेंट। अब अगर एफ के क्लोजर में ई आ जाता है तो ई रिडंडेंट। अब इस एफ डी सेट को देखेंगे तो एफ क्या डिसाइड कर रहा है, सिर्फ एफ डिसाइड करेगा, क्योंकि एफ डिसाइड एफ तो होता ही हमेशा, वो लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो एफ के क्लोजर में सिर्फ एफ आ रहा है और कोई एट्रीब्यूट नहीं आ रहा है। तो ई के क्लोजर में एफ नहीं है, एफ के क्लोजर में ई नहीं है, तो यहाँ दोनों ही रिडंडेंट नहीं है। अब फाइनली आते हैं ए सी डी एफ। हम ऑलरेडी एंश्योर कर चुके हैं कि ए सी डी एक दूसरे के क्लोजर में नहीं आते, तो ये तो ए सी डी एक दूसरे को रिमूव नहीं करेंगे। अब क्या ए सी डी के क्लोजर में एफ आ जाता है तो एफ एक्स्ट्रा होगा। तो जैसे ए सी डी कहीं राइट हैंड साइड पे नहीं है, वैसे एफ भी कहीं राइट हैंड साइड पे नहीं है। तो ए सी डी का क्लोजर लेंगे तो एफ नहीं आएगा, क्योंकि राइट क्लोजर में एफ आने के लिए एफ राइट हैंड साइड पे होना चाहिए। तो ए सी डी का मैं क्लोजर लूंगी तो एफ नहीं आएगा, एफ का क्लोजर लेंगे तो ए सी डी नहीं आएंगे। तो ये चारों ही एट्रीब्यूट कैसे जो राइट हैंड साइड पे है ही नहीं, तो ये एक दूसरे के क्लोजर में नहीं आएंगे। तो ए सी डी एफ भी, ए सी डी एफ में भी एक भी एट्रीब्यूट एक्स्ट्रा नहीं है। ओके, चलिए, तो हमने सेकंड स्टेप अप्लाई कर ली, लेफ्ट पे एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट को रिमूव करना। अब थर्ड स्टेप क्या है, रिमूव रिडंडेंट एफ डी, उन एफ डी को रिमूव करना है जो रिडंडेंट है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ए डिसाइड्स बी रिडंडेंट है। तो हाउ टू चेक रिडंडेंसी, तो ए डिसाइड्स बी क्या रिडंडेंट है ये चेक करने के लिए इस एफ डी के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, ए। तो हम ए का क्लोजर लेंगे बिना इस एफ डी को कंसिडर किए। अगर इसको कंसिडर किए बिना ए के क्लोजर में बी आ गया तो ये एफ डी रिडंडेंट होगी। तो अगर हम इसको कंसिडर नहीं करते हैं तो ए के क्लोजर में क्या आएगा, सिर्फ ए, क्योंकि एट्रीब्यूट के क्लोजर में खुद एट्रीब्यूट तो आता ही है और कुछ नहीं आता है ना। तो अगर मैंने इसको कंसिडर नहीं किया तो ए के क्लोजर में ए आएगा लेकिन बी नहीं आएगा, देयरफॉर ए डिसाइड्स बी रिडंडेंट नहीं है। चलिए, ए सी डी डिसाइड्स ई रिडंडेंट है क्या, लेट्स सी। तो टेक द क्लोजर ऑफ ए सी डी, ए सी डी के क्लोजर में क्या क्या आएगा, तो खुद ए सी डी तो आना ही है, फिर ऐसे बी आ गया, और इन सभी एफ डी को अप्लाई करने के लिए क्या जरूरी है कि एफ होना ही चाहिए ना। ये भी ई एफ डिसाइड्स जी है, यहां भी एफ है, यहां भी एफ है, तो बाकी तो कोई एप्लीकेबल ही नहीं। तो ए सी डी के क्लोजर में अगर मैं ए सी डी डिसाइड सी को कंसिडर नहीं कर रही हूं तो सिर्फ ए बी सी डी आ रहा है, ई नहीं आ रहा है, देयरफॉर ए सी डी डिसाइड ई भी रिडंडेंट नहीं है। ठीक, ई एफ डिसाइड जी रिडंडेंट होगी क्या, तो अगर हम ई एफ का क्लोजर लेते हैं इसको कंसिडर किए बिना तो ई एफ के क्लोजर में ई एफ के साथ क्या आएगा, एच आएगा और कुछ नो, जी नहीं आएगा। तो ई एफ के क्लोजर में ई एफ के साथ एच आ गया और कोई एफ डी एप्लीकेबल नहीं, तो ई एफ डिसाइड जी भी रिडंडेंट नहीं है। सिमिलर वे में आप फाइंड करेंगे ई एफ डिसाइड एच भी रिडंडेंट नहीं है। और फाइनली ये दो एफ डी मुझे चेक करनी, क्या ये रिडंडेंट है। तो क्या ए सी डी एफ डिसाइड्स ई रिडंडेंट है क्या, तो मैं ए सी डी एफ का क्लोजर लेती हूँ। ए सी डी एफ के क्लोजर में सबसे पहले तो ए सी डी एफ आया, फिर ए डिसाइड्स बी तो बी आ गया, अब ए सी डी डिसाइड्स ई तो ई आ गया। तो ए सी डी एफ के क्लोजर में इस एफ डी को कंसिडर किए बिना ई आ रहा है, therefore it is redundant, okay? चलिए, अब फाइनली क्या चेक कर रहे हैं आपको, ए सी डी एफ डिसाइड जी क्या रिडंडेंट है, तो लेट फाइंड द टेक द क्लोजर ऑफ ए सी डी एफ। तो ए सी डी एफ के क्लोजर में सबसे पहले ए से बी, फिर ए सी डी से ई और ई एफ से जी,
तो ए सी डी एफ के क्लोजर में जी भी आ रहा है, देयरफॉर ए सी डी एफ इज रिडंडेंट एफ डी। तो लास्ट टू एफ डीज क्या हो गई, रिडंडेंट। तो ये हमने थ्री स्टेप्स अप्लाई करके मिनिमल कवर फाइंड किया। फर्स्ट स्टेप क्या थी, सभी एफ डी को सिंपल में कन्वर्ट किया। सेकेंड स्टेप क्या थी, मिनिमल या कैनोनिक, सॉरी सेकेंड स्टेप क्या थी, लेफ्ट हैंड से एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स को रिमूव किया। और थर्ड स्टेप क्या थी, जितनी भी एफ डी रिडंडेंट थी उनको रिमूव कर दिया। तो ये हमको क्या मिला, हमारे एफ डी सेट का मिनिमल और कैनोनिकल कवर। अब मिनिमल या कैनोनिकल कवर के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, कि फॉर एवरी एफ डी यू नीड टू क्रिएट अ रिलेशन। तो सबसे पहली एफ डी आर ए कॉमा बी, आर वन। सेकेंड जो रिडंडेंट हो गए उनको तो हटाना ना, उनके लिए आपको कुछ नहीं करना, तो ये दो तो नहीं आएगी, ये आएगी। सेकेंड आर टू क्या हो जाएगी, ए सी डी ई, ओके। अब आर थ्री और आर फोर दो सेपरेट बनेगी इन दोनों एफ डी के लिए, तो नो, इन दोनों एफ डी का लेफ्ट साइड सेम है। तो आपने देख पढ़ा, एक रूल हमने पढ़ा है कि लेफ्ट साइड सेम है तो वी कैन मर्ज राइट हैंड साइड। तो मैं ई एफ डिसाइड जी, ई एफ डिसाइड एच को क्या लिख सकती हूँ, ई एफ डिसाइड जी एच। तो मुझे दो रिलेशन नहीं, एक ही रिलेशन बनाना है, ई एफ जी एच। ठीक है, तो ये हो गई हमारी थर्ड सेकेंड स्टेप, कि फॉर एवरी एफ डी क्रिएट अ रिलेशन। अब नेक्स्ट है, इफ कैंडिडेट की इज नॉट द पार्ट ऑफ रिलेशन, क्रिएट द रिलेशन कंसिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट की। तो क्या कैंडिडेट की है यहाँ की, तो यहाँ कैंडिडेट की में क्या आना जरूरी है, तो वो एट्रीब्यूट जो राइट हैंड साइड पे कहीं भी नहीं है, दैट मस्ट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। तो ए आना ही चाहिए, बी राइट हैंड पे है नहीं आएगा तो भी चलेगा, सी राइट पे नहीं है होना ही चाहिए, डी राइट पे नहीं है होना ही चाहिए, ई है हो भी सकता नहीं भी हो सकता, एफ नहीं है तो इट मस्ट बी इन कैंडिडेट की, जी और एच राइट पे है तो दे मे और मे नॉट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। तो ए सी डी एफ ये ऐसे एट्रीब्यूट है जो राइट हैंड पे नहीं है किसी भी एफ डी के, वो तो कैंडिडेट की में होंगे ही, तो ए सी डी एफ मस्ट बी द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। और अगर ए सी डी एफ के क्लोजर में ही सारे एट्रीब्यूट आ जाते तो यही हमारी एक कैंडिडेट की होगी। तो ए सी डी एफ का क्लोजर निकालते, तो ए सी डी एफ के क्लोजर में ए सी डी एफ तो आना ही है, साथ में क्या आ गया, बी, फिर ए सी डी से ई, ई एफ हो गया तो जी, और ई एफ से एच। तो ए सी डी एफ के क्लोजर में आपके रिलेशन के सारे एट्रीब्यूट है, देयरफॉर ए सी डी एफ इज द कैंडिडेट की। क्या ए सी डी एफ किसी रिलेशन का पार्ट है, नहीं है, वो ए सी डी ई है, डी एफ नहीं है। तो यू हैव टू क्रिएट अ रिलेशन फॉर ए सी डी एफ, इट इज ए सी डी एफ। तो हमने इस रिलेशन को थ्री एन एफ में डिकम्पोज किया, तो आपको कितने रिलेशन मिले, यू गेट फोर रिलेशन। तो ये हमने डिस्कस किया हाउ टू डिकम्पोज अ रिलेशन इन टू थ्री एन एफ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई कि रिलेशन बी सी एन एफ में है या नहीं। तो फॉर नेक्स्ट वीडियो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल।